सर मैं मोहम्मद रईस अंसारी, सन ऑफ अब्दुल अजीज अंसारी फ्रॉम कोलकाता। मेरा प्लाईवुड का बिजनेस है और ये करीब तकरीबन मैं 20 साल से इसको कर रहा हूँ। यूट्यूब के थ्रू हमने वीडियो देखा और मैं एक्चुअली कोई नए काम की तलाश में देख रहा था। मैं वीडियो तो इसमें हमने एम्प्टी रेजिन इंडिया आर्ट के बारे में हमने देखा और ये काम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा है कि 3 दिन पहले हमारी सर से बात हुई थी और हमने 24 घंटे पहले टिकट बनाया और आने से 3 घंटे पहले हमने तैयारी की। शाम को 6 बजे हमने तैयारी की और रात को 11 बजे हमने ट्रेन पकड़ा। और इसके पीछे मेरी बेटी और वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दिया कि सोशल मीडिया के जरिए मतलब जैसे कि नया चीज है, नया कुछ शहर है, मॉडिफाई कर पाए। तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये बहुत कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को क्लियर मेरी वाइफ ने किया। वो साथ में चल के मेरे साथ चल के जयपुर आई और हम लोग सर धर्मेंद्र सर से मिले। उनकी बातों से बहुत ही उनका अच्छा लगा। बिहेवियर हाँ, तो धर्मेंद्र सर से हम लोगों की बात हुई और उन्होंने हम लोगों को जैसे गाइड किया कि भाई 4 दिन का कोचिंग है, आपको यहाँ आके करना पड़ेगा। और हमारे तो पास टाइम कम टाइम था, बिल्कुल कम था तो हमने उनको प्रोग्राम बताया और फिर यहाँ जब पहुँचे उन्होंने वो तो टाइम को एडजस्ट किया उसमें। मतलब उस टाइम को इतना बढ़िया से उन्होंने एडजस्टमेंट किया और इस कोचिंग को हम लोगों ने 3 दिन में कंप्लीट किया। और ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। ये जो मेहनत करने वाले लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो मेहनत नहीं कर सकते वो ये वीडियो ना देखें। और रहा सवाल कि भाई अभी इंडिया में इसमें हो चाहे वर्ल्ड में हो, जो पैंडेमिक जो आया हुआ है कोरोना का, इसमें सब लोग ही परेशान हैं। अपने अपने फील्ड में हर जगह हर लोग परेशान हैं। तो मैं 2-3 महीने से बहुत ही ट्राई कर रहा था कुछ नया बिजनेस चालू करने के लिए, क्योंकि मेरा प्लाईवुड का काम है और ये 20 साल पुराना है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो नया चीज़ कुछ शुरू करते हैं। तो हमको ये यूट्यूब के माध्यम से ये एपॉक्सी के बारे में जानकारी मिली और हमने संपर्क करके जयपुर आए, ट्रेनिंग लिया यहाँ पर हम लोग 3-4 दिन। और मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ही बेटर और बहुत ही बढ़िया है ये। इंडिया में मेरे ख्याल से कहीं पर भी ऐसा ट्रेनिंग शायद ही किसी को मिले, क्योंकि यहाँ जो बिहेवियर है धर्मेंद्र सर का वो बिल्कुल फैमिली की तरह है। डाउन टू द अर्थ, मतलब उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड में, इतना बढ़िया लगा हमको। रहा सवाल कि हम अपने पुराने बिजनेस में इस बिजनेस को जोड़ना चाहते हैं और हमको लगता है कि ये बहुत ही लंबा जाएगा और बहुत ही अच्छे से और सक्सेसफुल होके इसकी हम इस बिजनेस को स्कोप भी डेवलप कर बहुत। सकते हैं। इसके सक्सेस के लिए P2 फॉर्मूला है, एक है प्रैक्टिस और दूसरा है पेशेंस। इस फील्ड में अपने को प्रैक्टिस और पेशेंस दोनों की जरूरत है। इम्पेशेंट लोग इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका रिजल्ट पेशेंस के बाद ही आता है। तो ये कुछ बिल्कुल वक्त लेता है लेकिन रिजल्ट बहुत बढ़िया देता है। हाँ, जैसे अभी यहाँ तो हम अकेले आए हैं, कोई लेडी यहाँ है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि हम यहाँ मेन वर्किंग के बीच में एक वमेन आ गए, क्योंकि हमको बड़ा कोऑपरेटिव लगा। सर का बिहेवियर और उनके बच्चों का, वो सब बिल्कुल वो फैमिली रिलेटेड। तो इसमें कुछ ऐसी परेशानी नहीं है। कोई फीमेल भी अगर आगे बढ़ना चाहती है तो वो जरूर बढ़े, और यहाँ आके वो बहुत फ्रीली, मेंटल फ्रीली आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा है कि हम फीमेल्स जो होते हैं ज्यादातर होम मेकर्स होते हैं। इंडिया में बिजनेस वुमेन कम है और होम मेकर्स ज्यादा है, तो हम अपने घर के कामों को लेकर भी इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ वक्त इसमें देकर हम घर के कामों को भी निपटा सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं और घर के और सब जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस फील्ड में फीमेल भी आराम से आ सकती हैं। वो अगर वो बाहर नहीं निकले तो इसका स्कोप यही है कि इसमें स्कोप इतना ज्यादा है, इसकी फैसिलिटीज इतनी ज्यादा है कि अगर आप अपने वो क्रिएटिविटी देना चाहते हो अपने काम को, तो वो इस फील्ड देकर में आप, हाँ, इस फील्ड में आकर आप दे सकते हो। और जरिया तो बहुत है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, तो जरिया तो बहुत है, बस अपने को आने की जरूरत है। मेहनत से करना है और एक जुनून के साथ करना हाँ, है। वो अंदर जो लोग में। मेहनत करेंगे वही इस काम को कर सकते हैं। और रहा सवाल अल्लाह सुबहान ताला हम लोग के साथ हैं, ऊपर ईश्वर हमारे साथ हैं और सर का हमारे सर पे हाथ है।
तो मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। वो काम मैं चाहूंगा कि इस बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक ले जाऊं। और वो काम के थ्रू सर एनकरेज भी करते रहते हैं कि कुछ गलत हो गया तो उसमें घबराना और परेशान होना नहीं है। उनकी वो जो मोटिवेट करते रहते हैं वो चीज उनका बहुत पॉजिटिव है। तो ये चीज लेकर हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते, मतलब डिसएडवांटेज कोई नहीं। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि हर काम का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज होता है। इसका डिसएडवांटेज यही है कि हम अगर इम्पेशेंट हो गए तो हम काम को सक्सेस नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसका एडवांटेज सब कुछ है, लेकिन डिसएडवांटेज इसमें कुछ भी नहीं है। डिसएडवांटेज अपनी मेंटालिटी में है, अगर हम इम्पेशेंट हो गए तो इसको हम इस फील्ड में सक्सेस नहीं ला पाएंगे। और सर का जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इजी वे में है, और हमारी ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप हुई, सारा प्रोसेस बहुत इजी वे में है, और एक्सप्लेनेशन तो खैर बहुत बढ़िया है। ये हमने खुद से बनाया है, इस बिल्कुल रफ फिनिश था, रफ से इसमें ये कह सकते हैं कि बहुत प्रैक्टिस और मेहनत के बाद इस ये मैम ने बनाया और ये मैंने बनाया। ये आप देख सकते हैं, ये ब्राइट के ऊपर है, इसको हमने अपने हाथों से बनाया और ये बनाने में बहुत ही अच्छा लगा हमको, और ये बिल्कुल रॉ था और इसमें ये चमक लाने के लिए रूप दिया है इसमें। इसमें एक नई चमक आ गई है। लास्ट में आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए उदास है, तू खुद की खोज में निकल तू किस लिए उदास है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू।